गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ब्रेथ पर स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सभी छात्र देखें, एक बिंदु से एक ब्रेथ पर स्पर्श रेखा की संख्या, तो इसमें तीन प्रकार का संभावना हो सकती है। यदि बिंदु ब्रेथ के अंदर हो, तो आप ब्रेथ के अंदर अगर कोई बिंदु है और उससे अगर आप रेखाएं खींचते हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो स्पर्श रेखा हो। दूसरा, बिंदु यदि ब्रेथ पर लेके चलते हैं पॉइंट पर, तो इस पर एक स्पर्श रेखा ड्राइव की हमने। और तीसरा देखेंगे कि एक बिंदु बाहर है पी, तो उससे आपको दो स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं। तो तीन केस हैं, यदि बिंदु ब्रेथ के अंदर है, बिंदु ब्रेथ के अंदर हो तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, कोई स्पर्श रेखा नहीं। और दूसरा कंडीशन है, ब्रेथ पर बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा, तीसरा केस है ब्रेथ के बाहर बिंदु है तो दो स्पर्श रेखा। क्लियर? तो क्लियर हो गया कि ब्रेथ के अंदर अगर एक बिंदु है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, ब्रेथ पर एक बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा, और ब्रेथ के बाहर बिंदु है तो दो स्पर्श रेखा। हमने इन्हीं जो तीन कंडीशंस बताई है उसका यहां पर नोट्स बनाया है, इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। बाह्य बिंदु से ब्रेथ पर स्पर्श रेखा की खंड की लंबाई को हम स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। जैसे हमने यहां देखेंगे, मान लो यह बिंदु P है, इस पर हमने स्पर्श रेखा खींचा, बाह्य बिंदु, यदि हमने एक बिंदु बाहर लिया P और उससे हमने अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इस बिंदु को यदि हमने Q बोला तो PQ को बोलेंगे हम स्पर्श रेखा की लंबाई। क्लियर? तो इसको इस तरह से ड्रा कर लीजिए। क्लियर? चलिए अब हम प्रश्न थ्योरम 10.2 को देखते हैं। हमको इसमें बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। तो हम यहां देखते हैं प्रूफ में क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है PQ इक्वल टू PR, यह सिद्ध करना है। तो हम यहां देखते हैं त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO में, क्लियर, क्या देखते हैं कि कोण PQO बराबर कोण PRO, ये 90 अंश है। ठीक है, स्पर्श रेखा का हम कारण क्या बताएंगे इसका, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है।
क्लियर। साथ ही हम देखते हैं तथा ओ क्यू इक्वल ओ आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू को हम त्रिज्या आर मान लेते हैं और तो ओ आर भी त्रिज्या है, ये आर के बराबर है त्रिज्या के, ठीक है। और ओपी इक्वल टू ओपी, ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ओ पी क्यू ओ इक्वल सर्वाक्षम है त्रिभुज पी आर ओ आर एच एस प्रमेय से, क्लियर। जब त्रिभुज सर्वाक्षम है तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो पी क्यू बराबर पी आर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए दो संकेंद्री व्रतों में बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर वह समविभाजित करती है। तो हम क्या करेंगे, ये संकेंद्री यानी जिस संकेंद्री मतलब एक ही केंद्र है व्रत का, दो व्रत दिख रहा है आपको, तो इसको मिला देंगे और यह इसको हम त्रिज्या आर बोल देंगे। तो इसका प्रूफ करते हैं, हम देखते हैं कि ओपी लंब है किस पर, ए बी पर, क्लियर। तो त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ में क्या देखते हैं कि कोण ए पी ओ इक्वल टू कोण बी पी ओ, ये कितना है 90 अंश, ठीक है। और ए ओ इक्वल बी ओ, ये किसके बराबर है त्रिज्या के, ओ पी इक्वल ओ पी, ये क्या है उभयनिष्ठ, तो इसीलिए त्रिभुज ए पी ओ सर्वाक्षम होगा त्रिभुज बी पी ओ के, और जब त्रिभुज सर्वाक्षम है तो ए पी बराबर बी पी, इसका मतलब क्या हो गया, पी पी भुजा ए बी को समद्विभाजित करती है, विभाजित करती है, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र ओ से वृत्त के बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू, तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो TP बराबर TQ, ठीक है। बाह्य बिंदु से, इसका कारण पता है कि बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखा बराबर होती है, क्लियर। अच्छा, यदि जब भुजाएं बराबर है
तो इस कोण को हम मान लेंगे कि एक्स, तो इसलिए ये भी कोण एक्स होगा। तो जब भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो संगत कोण क्या हो जाएंगे आपके, टी पी क्यू इक्वल कोण टी क्यू पी इक्वल टू एक्स। माना, इसको हमने मान लिया है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है, तो कोण पी टी क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x, तो इसमें से 2 को कॉमन निकाल देंगे तो 90 माइनस एक्स। अब हम यहां जरा देखते हैं साइड में कि कोण टी पी ओ इक्वल टू 90। ये आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोण ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस एक्स होगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम यहां पर 90 माइनस एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 इंटू कोण ओ पी क्यू, इसको नंबर दे दो 1 से, फ्रॉम 1, तो ये आपका प्रूव हो गया।